लायंस क्लब कुचामन फोर्ट ने लाइनवाद के संस्थापक मेलविन जोन्स का जन्मदिन प्रांत द्वारा निर्धारित प्लास्टिक निषेध अभियान के तहत आमजन को जागरूक कर मनाया। प्रांतीय जीएसटी कोऑर्डिनेटर लाइन राम काबरा के सानिध्य में क्लब सचिव लाइन द्वारका प्रसाद कुमावत, सर्विस चेयरपर्सन लाइन प्रहलाद रंकावत, लाइन सुमित काबरा, लाइन कुलदीप प्रहलाद रंकावत, लाइन सुमित काबरा, लाइन कुलदीप गौर ने बस स्टैंड एवं स्टेशन रोड स्थित दुकानदारों एवं ग्राहकों को प्रतिबंधित प्लास्टिक तथा इसके बैग से होने वाले नुकसान की जानकारी से युक्त पोस्टर वितरित कर इनका उपयोग नहीं करने का आह्वान किया। लाइन राम काबरा ने बताया कि मेलविन जोन्स ने 105 वर्ष पहले 1917 में अमेरिका के शिकागो में विश्व बंधुत्व की भावना को दे में संजोकर सेवा एवं फेलोशिप का पौधा लगाया था, जो वर्तमान में दुनिया के 200 से अधिक देशों में 48,000 से अधिक क्लब के 14 लाख सदस्यों के माध्यम से वट वृक्ष के रूप में पीड़ित मानव हितार्थ सेवा कार्य कर रहा है। इस वट वृक्ष के संस्थापक सेवा के प्रणेता मेलविन जोन्स के 143वें जन्मदिवस को विश्व के सबसे बड़े सेवा संगठन लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय के सदस्य दुनिया भर में सेवा कार्य कर गर्व और खुशी के साथ मना रहे हैं। इस क्रम में प्रांत 32-33E2 के भी अधिकतर क्लब प्रांतपाल लाइन संजय भंडारी के आह्वान पर स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण को प्रभावित कर रहे प्लास्टिक के प्रति जागरूक करके सेवा कार्य कर से विशेष दिन को मना रहे हैं। लाइन द्वारका प्रसाद कुमावत ने बताया कि प्लास्टिक के प्रति अभियान क्लब द्वारा सतत चलाया जाएगा। मकराना में ठंडी हवाओं का सितम जारी है। हार्ट कपाने वाली ठंड से निजात मिलना फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। शनिवार को भी कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड और हवाओं का कहर जारी रहा। ऐसी ही ठंड पड़ती रही तो जिले के लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। सुबह भी मौसम का मिजाज ठीक नहीं रहा। घने कोहरे और गलन से दिन भर लोग कांपते नजर आए। बाजारों में सन्नाटा पसर गया। ठंडी हवाओं के चलते बड़ी गलन से बचने के लिए लोग घरों में दुबक गए। पिछले कई दिन से लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से कांप रहे लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए गली मोहल्लों और घर में अलाव का सहारा लिया। सबसे बुरा हाल सफर करने वाले लोगों का रहा। लोगों को चौराहे और स्टेशन पर कहीं भी अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं मिली। मकराना शहर के मिंटा रोड पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व बिहार में हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पाड़िया का 90वां जन्म दिवस जगन्नाथ पाड़िया स्मृति न्यास के द्वारा मनाया गया। नागौर जिला प्रभारी पार्षद पति फूलचंद परेवा ने बताया कि पूरे राजस्थान में समिति द्वारा जयंती का आयोजन किया गया। परेवा ने बताया कि पाड़िया राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथ पाड़िया ने मात्र 25 वर्ष की उम्र में राजनीति में प्रवेश किया। जगन्नाथ पाड़िया 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। 1957 में जगन्नाथ पाड़िया पहली बार सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़े और लोकसभा पहुंचे और लोकसभा के सबसे युवा सांसद रहे। राजस्थान में पूर्ण रूप से शराबबंदी करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पाड़िया। 4 बार सांसद, 4 बार विधायक रहे। पाड़िया 1957, 1967, 1971, 1980 चार बार सांसद रहे और उसके बाद भी वे 4 बार विधायक रहे। नावा सिटी उपखंड मुख्यालय के सामाजिक संगठन नावा सोशल सर्विस सोसाइटी, फ्रेंड्स क्लब नावा, स्टूडेंट्स क्लब के संयुक्त तत्वाधान में चल रही नेकी की दीवार के तहत शुक्रवार को कुमावत समाज सुधार व सेवा समिति के अध्यक्ष सीताराम प्रजापत के पोत्र विनय प्रजापत द्वारा गरीब व जरूरतमंदों को 21 नए शॉल व प्रत्येक को 50 रूपए नकद भेंट किए गए। इस अवसर पर
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुमावत समाज सुधार एवं सेवा समिति के अध्यक्ष सीताराम प्रजापत ने कहा कि मानवीय मूल्यों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। नेकी की दीवार कार्यक्रम के माध्यम से जो जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है वह अनुकरणीय है। सोसाइटी के संयोजक तुलसीराम राजस्थानी ने बताया कि हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं व दक्षिणायन से उत्तरायण आते हैं। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान दक्षिणा देने से विशेष पुण्य लाभ होता है। 1 जनवरी से शुरू हुई नेकी की दीवार कार्यक्रम के माध्यम से सैकड़ों जरूरतमंद लोग अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में जरूरतमंदों के लिए वस्त्र देने वाले नेकी की दीवार कार्यक्रम स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं जिनको आवश्यकता है। जरूरतमंद व कपड़े ले जा रहे हैं। नावासित आसपास के क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्लब के सचिव दशरथ सिंह राठौर, संयोजक बाबूलाल बरवड़, सरस्वती काव्य कला मंच के अध्यक्ष तुलसीराम राजस्थानी, अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष अल्पना अग्रवाल, कुमावत समाज सुधार व सेवा समिति के अध्यक्ष सीताराम प्रजापत, फ्रेंड्स क्लब के अध्यक्ष मनोज गंगवाल, रामनिवास चावला, नरेंद्र प्रजापत, विनय प्रजापत, कैलाश कुमावत, मूलचंद लखन, अहमद गोरी आदि गणमान्य नागरिक काफी संख्या में जरूरतमंद लाभार्थी लोग उपस्थित रहे।